मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। देश के कई राज्यों में मानसून की झमझम बारिश हो रही है, जिसके साथ देश भर में मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम की स्थिति पर आईएमडी की रिपोर्ट में कई अपडेट सामने आए हैं। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि मानसून वर्तमान एक्टिव फेज में है। पूर्वोत्तर राज्यों के अगले दो दिनों तक विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में भी 3 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की वर्षा हो सकती है। तो वहीं आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि कई राज्यों में मानसून अपना दस्तक दे चुका है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में दो दिनों तक के लिए भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों में अधिकांश हिस्सों में मानसून एक्टिव है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान यहाँ कुछ हिस्सों में मानसून पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बता दें कि असम और मेघालय में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं 2 जुलाई को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मानसून की कुछ ज़्यादा ही मेहरबान देखने को मिल सकती है। दिल्ली NCR में मानसून की दस्तक हो चुकी है। पहली बारिश ने ही दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद को पानी पानी कर दिया है। IMD यानी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए रेड बड़ी अलर्ट जारी किया है। तो वही IMD यानी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बड़ी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी सोमवार को आने वाले 3 से 2 दिनों में भारी बारिश होगी। बारिश की वजह से दिल्ली NCR में जल सैलाब का नज़ारा हो सकता है। IMD ने बारिश को लेकर दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बारिश तो हो रही है, लेकिन उमस ने परेशानी बढ़ा दी है। चिपचिपी गर्मी से कई तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश के अधिकतर भागों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं इस अवधि में दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है वो जिले हैं गोरखपुर, खुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सरहानपुर, आसपास के इलाके। तो यहाँ का ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 दिन बरसाने वाला मानसून इस बार यूपी में केवल 4 दिन ही बरसा है। भदोही में सूखा ही है, यहाँ एक दिन भी बारिश नहीं हुई। वहीं पश्चिमी यूपी में भी कुछ जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड के छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।